नमस्कार दोस्तों, विद्याविधान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है। इफ एडी एंड पीएम आर मेडियंस ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देन प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। बहुत ही इजी है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल एबीसी और एक है ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इस ट्रायंगल में यहां पर एक मेडियन है एडी और इस ट्रायंगल में यहां पर एक मेडियन है पीएम। अब चूंकि ये मेडियन है, देयरफॉर डी पॉइंट जो है वो बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। सिमिलरली एम पॉइंट जो है वो साइड क्यूआर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। अब देखिए यहां पर दिया गया है दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, देयरफॉर एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं और साथ ही साथ इनके करस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहां पर देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बाकी एंगल्स भी बराबर होंगे लेकिन हमें इस एंगल का काम है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि एडी और पीएम, यहां पर देखिए एडी और पीएम जो है वो मेडियंस हैं और जैसा कि मैंने बताया मेडियंस जो है वो इन दोनों साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई टू, यहां पर देखिए बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई टू एंड क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन वन में देखिए दोस्तों, ये है इक्वेशन वन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इस इक्वेशन में हम ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इतने पार्ट्स को ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर। अब यहां पर देखिए 1/2 बी सी इज इक्वल टू बी डी एंड 1/2 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो दोस्तों ये हमने प्रूव कर लिया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर। अब देखिए हमको यहां पर केवल इक्वेशन टू की जरूरत है और इक्वेशन फोर की जरूरत है और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को देखिए, यह ट्रायंगल ए बी डी, यह ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब यहां पर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन टू और ए बी अपॉन पी क्यू, यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन फोर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल आपस में बराबर है और उस एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब देखिए चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पोंडिंग साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, और दोस्तों
यही हमको प्रूव करना था।